सी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2023। मेरी क्रिसमस टू ऑल माय फ्रेंड्स। करेंसी पिछले हफ्ते में कैसे बिहेव किया और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर एक एनालिसिस। हालांकि ड्यू टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर उसके कारण बाजार ग्लोबल मार्केट शांति में है। मेजर प्लेयर्स आर ऑन हॉलीडे मोड, तो मार्केट जो मेजर एक्टिविटी चालू होगा वो आपका 7th या 10th जनवरी ऑनवर्ड्स ही पिकअप होगा। फिर भी हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में कैसे बिहेव किया। डॉलर इंडेक्स में एक रेड कैंडल देखा गया पिछले हफ्ते में, इन बिटवीन 102.63 एंड 101.42। इट्स ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल विथ माइनर प्राइस रिजेक्शंस एट द एंड। आरएसआई बिलो 40, सो बेयरिशनेस है। मंथली अभी भी एक हफ्ता बाकी है, सो मंथली कैंडल का स्ट्रेंथ के ऊपर हम वंस द मंथ इज ओवर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। बट आरएसआई के हिसाब से आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 इट इज कमिंग डाउन, सो बेयरिशनेस बरकरार है। डेली में एक सपोर्ट लेवल था जो आपका 101.80 से 102.10 के बीच में फ्राइडे के दिन एक पिन बार बनाया हुआ है, बट रेड इन कलर। दैट मींस प्राइस नेगेटिव हल्का सा है बट उसके स्ट्रेंथ नीचे की तरफ नहीं है बिकॉज प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द बॉटम। सो एक पिन बार बनाया हुआ है एक इंडिसेशन से। सो कल यानी मंगलवार ऑनवर्ड्स, मंगलवार से फ्राइडे तक मीन्स इसका कैसे बिहेव होता है। यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेशन था, एक बॉक्स बनाया हुआ था, इसके बाहर निकालना है डॉलर इंडेक्स को। फ्राइडे के दिन बाहर निकला बट क्लैरिटी मिसिंग, सो क्लैरिटी थोड़ा सा चाहिए। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है। जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.16 पे एंड RSI continuously, weekly RSI taking resistance at 60, currently at 54.93, monthly RSI लेकिन अभी भी above 60 में है, so bullishness है, and daily पे ये 46.16 RSI में है जो sideways nature behave represent करते हैं। अगर हम daily chart को देखेंगे नीचे के तरफ 82.80 से 83.90 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर डॉलर रुपी को स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये नीचे के तरफ, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद ही कुछ हम आशा कर सकते हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स ही पॉसिबल है। एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज दैट वन, 83.40 से 83.50 के बीच का है। एंड जीबीपी डॉलर पे अगर हम देखेंगे वीकली जो प्राइस एक्शन दिया है वो है एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल जहां पे प्राइस बोथ साइड में रिजेक्शंस किया हुआ है। आरएसआई नियर 60, 47.70 अप्रोचिंग 60, सो रेजिस्टेंस यहां पे एक एक्सपेक्टेशन से एंड 1.2730 से 1.2750 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा तभी जाके हम बुलिशनेस का बायस हम देखने का प्रयास करेंगे। डेली में भी प्राइस क्या कर रहा है, वो जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके नजदीक प्राइस टाइम पास कर रहा है। इसको और थोड़ा टाइम पास करने देते हैं एंड क्लैरिटी आने देते हैं। जीबीपी आईएनआर वीकली क्लोज दिया हुआ है आपका 105.53। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था आपका 106 से 106.50 उसी के उसमें रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं और आपका वीकली आरएसआई जो है वो है आपका 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का प्रयास। दैट बीइंग द केस यहां पे एक रेंज बनाया हुआ है ऑन द लोअर साइड 104.30 104.50 एंड ऑन द हायर साइड 106 से 106.50। जब तक इस रेंज के बाहर प्राइस नहीं निकलते हैं तब तक इसके बीच में ही खेलता रहेगा प्राइस।
एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं, मे बी ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन एंड द कंफर्मेशंस, उसके बाद ही कुछ हम यहाँ पे आशा कर सकते हैं। यूरो डॉलर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.1007 का। यहाँ पे जो वीकली कैंडल या प्राइस एक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कैंडल मींस काफी बुलिशनेस रिप्रेजेंट करते हैं। और RSI एट 60, एक बार RSI 60 के ऊपर निकल जाते हैं तो यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो भी होगा, मेजर एक्टिविटीज जो भी होंगे वो 7th-10th January के बाद ही होंगे। यूरो आईएनआर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 91.76। ये RSI above 60 में है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, लेकिन इमीडिएटली ऊपर की तरफ प्राइस का एक रेजिस्टेंस है, वो है आपका 92.35। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना पड़ेगा, तब तक हमें इंतजार करना है प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 142.38 का, एक इन्वर्टेड इसका मतलब क्या है, प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड, प्राइस ऊपर से काफी ज्यादा रिजेक्ट हो चुका है, व्हिच इज ऑल्दो द कलर ऑफ द कैंडल इज ग्रीन बट इट्स नेगेटिव इन नेचर। तो डेली प्राइस में अगर हम देखेंगे तो इस यहाँ पे एक बेस आउट कर रहे हैं, इसको अगर नीचे जाना है तो इस जोन के नीचे जाएगा, तभी जाके फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। JPY INR जो आपका वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 58.46 का, ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल, लेकिन आपका इमीडिएटली ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 59.70 का। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा ऑन ए वीकली बेसिस, तभी जाके एक अच्छा खासा दमदार धुएंदार ऊपर की तरफ मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद ही होना चाहिए। डॉलर कैंडी में बियरिशनेस काफी ज्यादा है, ये देखिए जो वीकली क्लोज है कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे, उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है, इसको फर्दर वीक होना है तो इस कैंडल के यानी लास्ट वीक का जो कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके और फर्दर हमें यहाँ पे और नेगेटिविटी देख सकते, जो मंथली का बात हम कर रहे हैं, दिस मंथली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मंथली, सो यहाँ पे मीन्स जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ धमाकेदार सेलिंग का क्या अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं ऑसी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया है 6791, वीकली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है और RSI एट 60.40, हमारा जो सेकंड टारगेट था 0.6780 से 0.6800 का वो टारगेट मेट हो चुका है। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट के लिए पुल बैक में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। CNH 7.1420 पे क्लोज दिया हुआ है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है एट द सपोर्ट लेवल एंड ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं। अगर हम वीकली प्राइस एक्शंस देखेंगे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, कब बनेगा, जब ये प्रीवियस वीक यानी 11th दिसंबर वाला जो वीक है उस वीक के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो एक अच्छा खासा हमें अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। उस अपवर्ड बायस इस डॉलर CNH को कहां तक लेके जाने का दम हो सकता है, इन सच ए केस हमें 7.29 का एक प्रोबेबिलिटी मिल सकते हैं। वीकली बेसिस पे
11th दिसंबर का जो वीकली कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, इन सच केस आने वाले हफ्तों में डॉलर सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.29। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 79.69। अभी ये जो आपका कैंडल है इट्स ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, लेकिन इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा तभी जाके हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 84 का आने का तैयारी करेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.90, यहाँ पे वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, सम सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप, यानी इट्स अ बॉक्स कैंडल। लो के नीचे फर्दर सेलिंग कंटिन्यू, हाई के ऊपर हल्का सा पुल बैक। एंड यूएस 2 ईयर ट्रेजरी का वीकली जो कैंडल क्लोज दिया है काफी नेगेटिव इन नेचर वीकली पर्सपेक्टिव, यानी काफी नेगेटिव है। तो जैसे ही प्रीवियस वीक यानी 11 दिसंबर के लो के नीचे डेली बेसिस पे सस्टेन करेगा, फर्दर वीकनेस यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन जो भी होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद ही मार्केट में एक मोमेंटम या एक ट्रेंडेड डायरेक्शन इन एनी करेंसी पेयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले टाइम पास ही होगा, जैसे जैसे फ्लो आएंगे वैसे वैसे दोनों साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू एंड